सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। आई थिंक लड़कियों के 3 जन्म होते हैं मेरे हिसाब से, जब वो पहली बार पैदा होती हैं, दूसरी बार जब उनकी शादी होती है, और तीसरी बार जब उनका बच्चा होता है। मुझे नहीं पता था इतना डीप है मंजू। बट इफ यू वर गॉड फॉर वन डे व्हाट वुड यू डू, दैट्स द क्वेश्चन। मैं नहीं बन सकता है, सॉरी। ये खाना शेयर नहीं करते कभी। बट ही ईट्स एवरीवन एल्सस, व्हिच इज वेरी बैड। व्हाट अबाउट हिज होल सैंडविच दैट यू ऐट दैट डे ऑन सेट? व्हिच सैंडविच? माय सैंडविच, एवोकाडो टोस्ट, यस, एंड हिज ब्राउनी। और मैंने बट ऐसा नहीं, मंजू स्वीटली इसने ऑफर किया। तू बता, तू ऑर्डर कर रहा है, इतना सी ऑर्डर करेगा तू? क्या नहीं, बट ये भी आपकी गलती है, वो भी प्रोडक्शन के पैसों से। खुद भी और कहाँ करना देखो, प्रोडक्शन इतना सब है, सबके लिए ऑर्डर कर ले। किसी के सामने खा रहे हो, साथ वाला बैठ के देख रहे हैं, आपको पूछते भी नहीं। क्या बात कर रहा है यार, नहीं कितनी बार तो मेरी आंटी में खा चुका है। अरे मुंह में पानी आ रहा होता है, ते सामने तो खाया मैंने, अबे हमेशा मेरे सामने खाया है। Oh, that's for you. I think यहाँ पे खत्म हो जाना है। Well, इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जो खाली पीली पति पत्नी और वो के बीच में गहराइयां ढूंढ रही थी, पर वो वेस्ट नहीं गया, क्योंकि बाकी सारे लोग तो इनके प्यार में हाँ डूबे। अलॉन्ग विथ हर वी हैव समवन जिनके बिना आजकल कोई कॉमेडी वेब सीरीज लोग देखना ही पसंद नहीं करते। उन्हें देख के मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, फुकरे रिटर्न्स, फुकरे 3। एंड अलॉन्ग विथ बोथ ऑफ देम आई हैव मेरा दोस्त विकी डोनर, जिसे फिल्मों से इतना प्यार था कि लोग कहते थे नौटंकी साला। एक दिन उसने ठान ली, सब कुछ छोड़ छाड़ के कह दिया दम लगा के हाइशा, और अपनी प्यारी बिंदु को लेकर चला गया बरेली की बर्फी खाने, पर उसका शुभमंगल सावधान होते होते बच गया। उसके बाद अंधाधुन फिल्मों पे फिल्में करता गया, और मैं कहने गई बधाई हो तो कहता है रुको जरा सबर करो, आर्टिकल 15 से हमें चौंकाया, ड्रीम गर्ल से हमें हंसाया, फिर मोहल्ले के लोग कहने लगे अब शुभमंगल ज्यादा सावधान कर लो, तो ये भाग गया चंडीगढ़ आशिकी करने। अब मैं और मेरे जैसे अनेक लोग इस डॉक्टर जी की ड्रीम गर्ल 2 का इंतजार कर रहे हैं। वेलकमिंग अनन्या पांडे, मंजोत सिंह एंड आयुष्मान। I think यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, अभी हो गया, करेक्ट ही हुआ। अभी हम घर जाने के लिए तैयार। प्रमोशन रही है, I thought you were making a mistake at the start, then it went on and on and on. Wow, yeah. Very good. कितना टाइम लगा प्रिपेयर करने में? ये on the spot 15 मिनट। Wow, yeah. Very good, yeah, very good. कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, अब सब करता स्क्रीन को। Oh my God, hats off, good. Welcome to India Forums. Firstly, hi Pooja. मुझे आपसे ये जानना था कि ड्रीम गर्ल जब बनी, तब उसके बाद ड्रीम गर्ल 2 के पहले ही प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो चुकी थी, या ये कैसे हुआ? नहीं, मतलब नहीं, ड्रीम गर्ल 2 की प्लानिंग प्लॉटिंग ड्रीम गर्ल 1 के सक्सेस के बाद हुई है। राज अनेक था, दे वांटेड समथिंग जो मतलब उसके लेवल का कुछ हो, तब जाके वो जाना चाहते हैं ड्रीम गर्ल 2 के साथ, एंड इट हैपेंड। आई थिंक इट्स डबल द फन, डबल द क्रेजीनेस, सो वी आर हियर विद ड्रीम गर्ल 2। डबल द कास्ट ऑल्सो, यस एक्चुअली, यस। कमिंग टू अनन्या, हमने आजकल आपको जो भी आपकी फिल्मों में देखा है, यू नो वी हैव सीन यू वेरी हॉइटी टॉइटी सोफिस्टिकेटेड, एंड यहाँ तो वो ऊनो रिवर्स कार्ड प्ले हो चुका है, सो हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब परी फॉर ऑल ऑफ अस? शी इज आवर ऊनो रिवर्स कार्ड, आई थिंक वो जवाब भी ऐसे ऊनो रिवर्स में ही वापस देती है। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइस्टी, टेक्स नो यू नो लाइज, शी कैन कैच ऑन टू एनीथिंग, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी इंडिपेंडेंट, and yeah, I think she's the pivot that Karan's life revolves around. Yeah, and hum sabki audience ki bhi kafi utsukta hai aapko dekhne ki, because you are playing teesi girl, bindi bindi laga ke naak mein wo nath and all. Manjot, main aapse janna chahti hu, jaise ki humne kaha ki the cast is double, theek hai, we have kings of comedy, we have Paresh Rawal ji, we have Seema Pawar ma'am, Rajpal ji, Vijay Raj sir, to kya comic karte waqt, comedy karte waqt koi pressure aapko feel hua, ya you know डरे सहमे रहते थे उनके सामने? हाउ वाज इट? डरा सहमा तो नहीं, ऑब्वियसली कुछ तो एक थोड़ी सी एंग्जाइटी होती थी यार, यू नो सारे दिग्गज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो ऑब्वियसली उनको द बेस्ट पार्ट वाज बचपन से देखा है उनको इतना कुछ करते हुए, कभी सोचा ही नहीं था मैं उनके साथ जाके काम करूँगा, उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करूँगा। बट आई वॉज सो हैप्पी जब मुझे पता चला कि स्टार कास्ट इतनी बड़ी, इतने सारे लोग हैं, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज व्हेन आई गॉट टू नो परेश सर हैं यहाँ पे, क्योंकि आई स्टार्टेड माई करियर विद परेश रावल सर इन ओ लकी लकी हुए, तो आफ्टर लाइक मीटिंग हिम आफ्टर 14 ईयर्स, जब मुझे याद है जब मैं रीडिंग पे गया था एंड ही वॉज देयर, उनकी बैक थी मेरी तरफ, एंड मैंने उनको टैप करा एंड मैंने उनको देखा, मैंने उनके पैर छुए, एंड जब हम गले मिले इट वॉज अ लॉन्ग हग, बट कुछ बोला नहीं हमने, बट वो एक कनेक्शन था यार, इतने सालों बाद
he was playing my father in Woh Lucky. Now I think he's playing my father-in-law. So बहुत बड़ा फर्क है ब्रो. बहुत बड़ा फर्क है. He's the senior most. इसको 14 साल हो गए डेब्यू किए हुए. Yeah. मुझे 11 साल हुए. Yeah. मुझे तो बस 4 साल हुए. Okay. वो जो जी. आज together. बड़े बड़े दिग्गज. यहाँ यहाँ बैठे. But he was a child actor in that one. सिर्फ कपड़े लुक वगैरह के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन तो आपको क्या लगता है? आई थिंक बीइंग अ वुमन इज डिफिकल्ट. हमारे आई थिंक इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सैडली. वक्त लगेगा हमें थोड़ा नारी प्रधान समाज में जाने की के लिए. एंड फिल्म के अंदर लाइन भी है कि लड़की बनना मुश्किल है और लड़की होना और भी मुश्किल होता है. एंड आई थिंक वो फीमेल गेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिल्मों में लाइफ में. एंड बीइंग अ फेमिनिस्ट आई थिंक ये होना चाहिए प्रोग्रेसिव थॉट के लिए एक अच्छी जनरेशन के लिए. एंड आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट मेबी. Ananya, what do you think? What is the most difficult part about being a woman? I mean, there are many difficulties. I mean, safety, fear, the time, you're always scared. There are lots of insecurities. There's a lot of societal expectations, lots of pressures, lots of things that you're told ki aise hona hai, waise hona hai. Just, you know, the expectations sometimes that you have to stop working if you're married. Lots of things, beauty standards, there's just the list can go on and on forever. The biggest issue for me is safety of women. Yeah, but there's also joys of being a woman as well. You know, just that you can be a mother, you can be so many things. I just that empathy, that love, that just that heart, that soft heart that women have. I'm very lucky that I was born with that. Yeah. Manjut, agar ek din ke liye aapko ladki banne ka mauka mile. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मतलब मुझे ये पता है कि लड़की बनना बहुत आई थिंक मुझे लगता है सैक्रिफाइस बहुत है इसमें जो मुझे अच्छा नहीं लगता. क्योंकि जब आप आई थिंक ये परंपरा चली आ रही है कि एक लड़की जब शादी करेगी उसको घर छोड़ना पड़ता है, एक अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, अपना नाम. पहले तो मुझे सरनेम पता था, कई बार मैंने सुना नाम भी चेंज करना पड़ता है. दैट्स वेरी सैड. एंड आई थिंक ये आई डोंट नो कभी चेंज होगा नहीं होगा. मैं तो अपने घर वालों को बोलता था मैं चला जाऊंगा लड़की वालों के घर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई थिंक होना चाहिए. और लड़कियां बहुत चीज़ें फेस करती हैं. आई थिंक लड़कियों के 3 जन्म होते हैं मेरे हिसाब से, जब वो पहली बार पैदा होती हैं, दूसरी बार जब उनकी शादी होती है, और तीसरी बार जब उनका बच्चा होता है. तो एक लड़कियों मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं सैल्यूट है कि वो उनकी वजह से चल रही हैं चीजें, वरना हम यहाँ नहीं होते आज. मुझे नहीं पता था इतना डीप है मंजूत. But if you were a girl, well, what did you do? That's the question. मैं नहीं बन सकता है. सॉरी. क्या बहुत रिस्पांसिबिलिटीज है, नहीं कर सकता. अरे बहुत बड़ी चीज है लड़की होना बनना. इट्स मेरे I just have to add on, ये जो शादी के बाद नाम चेंज करना होता है ना, उसमें भी पति के पहले इनिशियल से अपना दूसरा नाम बनाना होता है. Correct. Yeah. Well, coming to you, Ayushman, you're known for playing unconventional roles. जो सोसाइटी में जो सारी चीजें हो रही होती है, आप वो बड़े पर्दे पे लेके आते हो, ठीक है? And cinema is known as a tool for that. पर जब पिक्चरें बनती है ऐसी, फॉर एग्जाम्पल रिसेंट रिलीज ओ माई गॉड 2, जिसका इतना अच्छा स्पेशल मैसेज है सेक्स एजुकेशन, वो एडल्ट सर्टिफिकेट मिलता है उसे, तो वट इज योर टेक? आई थिंक ऑफकोर्स जो हमें चीज़ें स्कूलों में बच्चों को सिखाना चाहिए और फिल्मों के जरिए आपको सीखने को मिल रही है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिल्म है ही बच्चों के लिए, टीनएजर्स के लिए, एडोलेसेंस के लिए. ये सेम सिचुएशन डॉक्टर जी के साथ भी हुई थी, उसको एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था. और ये फैमिलीज को दिखाना ज़रूरी था, स्पेशली लड़कों को, टू हैव दैट गेज. और वो डॉक्टर जी आई थिंक जब तक आप बच्चों तक ना पहुँचे, एडोलेसेंस तक ना पहुँचे, उसका फ़ायदा क्या है? So I think we have to be slightly more progressive in terms of thinking, and I wish ki certification jab OTT pe aaye to thodi si change ho aur adolescents bhi dekh sake. I don't know, kuch cut bhi ho to that's fine, but message should be clear, I think.
हम सबको पता ही होगा कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस ने आयुष्मान का जो वीडियो है वो यूज किया था अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड ऑल ऑफ दैट. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर यू नो समवन हैज हैरस्ड यू, समवन हैज स्टॉक्ड यू फ्रॉम अ फेक आईडी, ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए? मैं यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर हूँ फॉर यू नो सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड वी हैड दिस प्रोग्राम अबाउट साइबर बुलिंग. तो वो पिछले आई थिंक पैंडमिक के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था वो. और आई एम ग्लैड कि यूपी पुलिस और बिहार की पुलिस इसको आगे लेकर जा रही है, स्पेशली ड्रीम गर्ल के मीम्स बनाकर. आई थिंक जब एंटरटेनमेंट के जरिए आप लोगों तक पहुंचते हैं तो वो उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है. So I'm glad that's happening. So never you guys have come across a cyber fraud with yourself? कभी ऐसे पैसे गए चले गए मोबाइल से? Fraud नहीं हुआ है, trolling बहुत ज़्यादा हुई है. और मैंने so positively शुरू किया था, which is my digital social responsibility to help people with that. I think cyber fraud बात ये होती है कि if you are in a public eye तो आपके managers या फिर आपके accountants handle कर रहे होते हैं. आप कोई message कोई कॉल अननोन नंबर से रिसीव ही नहीं करते हो. बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेटिंग विद ऑल ऑल द पीपल इन द पब्लिक आई यू जस्ट डोंट टेक कॉल्स, तो वो हो नहीं पाएगा. सो आई डोंट थिंक दिस इज बैड. या सो तो वी आर द राइट पीपल. हमारे साथ साइबर फ्रॉड नहीं हो पाएगा बिकॉज़ वी हैव अ टीम हु इज हैंडलिंग दिस. या करेक्ट. मंजोत, मुझे आपसे जानना है कि आयुष्मान और अनन्या के बारे में कोई एक चीज आप बताएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक कोई क्वर्की हैबिट बताओगे दोनों की. क्वर्की हैबिट बहुत सारी चीजें, आई थिंक सारी चीजें अच्छी हैं दोनों के बारे में. पाजी आई थिंक एक यू नो एक वाइब है इनमें, यू नो एक अपनापन सा लगता है मिलके. सो आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है. एंड फॉर अनन्या आई थिंक शी इज वेरी चिल, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल. और आने दो आने. आप आग डलवा दो, अभी दोस्ती हमारी इतनी हुई भी नहीं है, पहले ही तोड़वा दो. तो या एंड क्वर्की हैबिट्स क्या होती है, मतलब कोई अजीब चीज? अच्छा, उसको अजीब को क्वर्की बोलते हैं. अजीब क्या है? ये खाना शेयर नहीं करते कभी. But he eats everyone else's food, which is very bad. Really? I don't like to share food. यार वैसे ये होता है कि खाना है तो एक आदमी को खाना दिया तो पूरा खाना उसको दे. And what about his whole sandwich that you ate that day on set? Which sandwich? My sandwich. Avocado toast. Yes. And his brownie. और मैंने but ऐसा नहीं. And Manjot sweetly इसने offer किया. तू बता, और तू order कर रहा है, इतना सही order करेगा तू? यार नहीं but ये भी आपकी गलती. वो भी production के पैसों से. खुद भी और कहाँ करना है तेरे को? बट नहीं, ही इज वेरी स्वीट. उन्होंने मैंने प्रोडक्शन इतना समय सबके लिए ऑर्डर कर ले, मतलब दो सैंडविच और ऑर्डर कर लो यार एटलीस्ट. बट चलो ये तो चलो ठीक है, बट आपको पता है आप किसी के सामने खा रहे हो, साथ वाला बैठ के देख रहे हो, आपको पूछते भी नहीं. क्या बात कर रहा है यार? नहीं, इतनी बार तो मेरी वैरायटी में खा चुका है. इतने बार आपने नहीं. यू नेवर आस्क्ड. या यू ऑलवेज ही रन्स इन द कॉर्नर एंड हाइड्स एंड ईट्स. अरे मुंह में पानी आ रहा होता है, इतना घर का खाना अमेजिंग खाना लेके आते हैं. Well guys, हालांकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना यहाँ पे इंडस्ट्री में, बॉक्स ऑफिस नंबर्स आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना. और फिलहाल बॉक्स ऑफिस में तो सेलिब्रेशन ही चल रहा है, रॉकी और रानी, गदर 2, OMG 2. तो क्या लगता है ड्रीम गर्ल का भी सही टाइम पे आके मौके पे चौका मारने वाली है? छक्का मारने वाली. आप बताओ. आई होप, क्योंकि चल रहा है, लोग वो देख रहे हैं, हमारा ट्रेलर भी देख रहे हैं. सेम लोग आ जाए जी, कई उससे ज्यादा आ गए तो आधे भी आ जाए. 500 करोड़. आई होप ड्रीम गर्ल टू सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे अभी जो आए हैं इस सब के. टच वुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Well guys, that was all that I had in store for you all. Signing off, this is Nikita Bhagwan, India Forums, Mumbai.